साल 2005, बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला कानपुर का एक बच्चा है जो अपने रूप और बालों पर गर्व करता है। वह अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय है और उसकी बहुत सारी महिला प्रशंसक भी हैं। वह अपने लुक से इतना प्रभावित है कि वह अपने सहपाठी और पड़ोसी लतिका का उसके काले रंग के लिए उसका मजाक उड़ाता है। तब से बाला और लतिका की नहीं बनती। कहानी 11 साल आगे बढ़ती है और साल 2016 आ जाता है और बाला के सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाला एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग टीम में काम करता है। लतिका एक फायर ब्रांड वकील बन चुकी है और दोनों अभी भी एक दूसरे से खार खाए बैठे हैं, एक दूसरे से आंख नहीं मिला सकते। बाला अपने बालों को उगाने के लिए बहुत सारी तकनीकें आजमाता रहता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हेयर ट्रांसप्लांट एक विकल्प है लेकिन डायबिटीज़ होने की वजह से वो इसका विकल्प नहीं चुन सकता। अन्य विकल्प नहीं होने के कारण बाला अपने पिता हरि के सुझाव को स्वीकार कर लेता है और एक विग का चयन करता है। बाला कंपनी के एड के काम से लखनऊ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लोकप्रिय टिकटॉक स्टार परी मिश्रा से होती है और बाला का दिल परी पर आ जाता है। कुछ ही समय में दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं। बाला यह महसूस करता है कि उनके बीच चीज़ें गंभीर हो रही हैं। बाला को लगता है कि उसे परी को बता देना चाहिए कि वह गंजा है और विग पहनता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि परी के लिए बाहरी सुंदरता सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो बाला अपने बालों की सच्चाई परी को नहीं बताता। दोनों के परिवार मिलते हैं और उनकी शादी तय हो जाती है। आगे क्या होता है बाकी की फिल्म इसी कहानी को आगे बताती है। नरेन भट्ट की कहानी बेहतर और नई है। नरेन भट्ट और रवि मप्पा की पटकथा यह सुनिश्चित करती है कि यह संदेश बिना उपदेश के मनोरंजक तरीके से सामने आए। नरेन भट्ट के संवाद फिल्म की हाई पॉइंट में से एक है। अमर कौशिक का निर्देशन बेहतरीन है और वह साबित करते हैं कि वह अपने क्राफ्ट में माहिर हैं। फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत सरल और स्क्रिप्ट में बहुत कुछ जोड़ता है उनका डायरेक्शन। अनुज राकेश धवन की सिनेमेटोग्राफी साफ सुथरी है और शहर के छोटे छोटे इलाकों को अच्छी तरह से सजाती है। बाला फिल्म लिखी ही आयुष्मान खुराना के लिए है। वह बहुत स्वाभाविक रूप से भूमिका निभाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वह जीवन भर गंजा ही रहे हैं। इसके अलावा वह ड्रामेटिक और इमोशनल दृश्यों में भी बहुत अच्छे लगे हैं। भूमि पेडनेकर अपने मेकअप की वजह से शुरू में थोड़ी अजीब लगती हैं लेकिन बाद में स्वाभाविक लगती हैं। यामी गौतम ने भी अपने कैरेक्टर को पूरी तरह जिया है। सभी अन्य कलाकारों ने अच्छी अदाकारी की है। तो ओवरऑल बाला न केवल पूरी तरह से मनोरंजन करती है बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म निश्चित रूप से सफल होने वाली है और समय के साथ यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। तो अगर आप फिल्मों से प्यार करते हैं और फिल्में आपको बेहद पसंद हैं, तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।